जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, पिछला जब मैंने कठोर का वीडियो बनाया था एसएससी जीडी के ऊपर, उसके बाद में आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक अलग ही चीज ट्रेंड कर रही है। अब सबने ही कटोप के वीडियो शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मैंने जो कटोप का वीडियो बनाया था उसके बाद में अब आपने देख लेना कई कटोप के वीडियो आ गए। उससे हो के रहा कि जिन बच्चों का अभी पेपर नहीं हो रहा वो भ्रमित हो रहे हैं। पहले बात तो मैं बता दूं लाडलू की, जो भी कटोप बता रहा, चाहे मैं बता रहा हूँ चाहे कोई भी बता रहा है, ये सिर्फ एक अनुमान है। हमारे पास में बच्चे जो अकेडमी के गए थे, लगभग 40 लगभग अब तक 80 बच्चों का पेपर हो गया, तो उनके जो रिव्यू मिल रहा है मेरे को, और वो यहाँ तो ओरिजिनल बतानी पड़ेगी उनको क्योंकि झूठ झपाट वो बोल नहीं सकते, तो उनका जो ओरिजिनल रिव्यू मिल रहा है उसके आधार पर मैंने आपको कटोप बताई थी कि इतनी कटोप इस बार रह सकती है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे अपने अनुमान से वो ठोकने लगे तुक्के की कटोप बहुत ऊपर जाएगी, ये होगा वो होगा। इसके लिए आप चिंतित मत होइए, बहुत सारे बच्चे जो पेपर नहीं हुआ है वो घबरा रहे हैं और वो कोशिश करेंगे पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की जो उनको नहीं भी आते हैं। ऐसी गलती मत करना, कटोप कहीं नहीं भगी जा रही है। आप जो टेस्ट अपने साथ वाले के साथ में लगा के देख लेना, आपने देखे भी होंगे या कुछ ऐसे एप्लीकेशन, सभी जैसे हमारी एप्लीकेशन पे भी अगर आप टेस्ट लगाते हो कमांडो एकेडमी, तो आपको रिजल्ट देते हैं, आपको रैंक भी देते हैं कि कौन सी रैंक पर आप है। तो आपने भी ऐसे सभी लगभग लगभग टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, तो वो वास्तविक आंकड़े हैं, ओरिजिनलिटी वही है, जो यहाँ नंबर आ रहे ना वही है। बाहर आके कोई ये नहीं बताता कि मेरे 5 नंबर कम आएंगे, 5 नंबर ज्यादा ही बताता है। समझ गए बात को? तो 5 नंबर ज्यादा ही बताते हैं। कट ऑफ से संबंधित आप इस बात को ध्यान रखना कि कट ऑफ पिछली से मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, पिछली बार आपकी स्टेट की जो कट ऑफ गई है ना उससे ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर से उससे ऊपर नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये बाद में मैटर करता है। पेपर जब आप पेपर देने बैठते हो तो ये बात ध्यान रखना कि पेपर अगर आपका जैसे अगर हो गया है या जिनका पेपर है, तो जिनका पेपर है ना उनको सिर्फ वही कोशिश करना है जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको करना है। ये मत सोचना कि विराट सर ने बोला था कि 60 क्वेश्चन करेंगे तो ही नंबर आएगा, मैंने तो अभी 55 ही करें। अगर उससे आगे अगर 5 क्वेश्चन आपने किए वो 5 के 5 गलत हो गए तो फिर बाद में पता चले कि 55 पे ही मेरिट गई, उस दिन पछताओगे। ऐसा नहीं करना है। किसने क्या बताया कट ऑफ के बारे में वो कोई मैटर नहीं करता है। ये कट ऑफ आपके मन में डाउट है उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है और आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल के लिए अब ज्यादा समय नहीं मिलेगा लाडनू। और हाँ, फिजिकल का जो बैच है वो भी एकेडमी में शुरू हो गया है। 1 फरवरी से अगर कोई भी बच्चा आना चाहता तो 1 फरवरी तक आ सकता है, 1 फरवरी के बाद से भी आ सकता है, मतलब 1 फरवरी से एसएसजीडी के फिजिकल बैच शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 1 महीने का ही समय मिलेगा आपको, 1 से 1.5 महीने का। अगर जिन्होंने अभी तक रनिंग नहीं किया तो वो भी शुरू कर दीजिए। तो कहने का मतलब कट ऑफ के बारे में जो ये बता रहे हैं कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी या उतनी कट ऑफ जाएगी, बात सही है, हो सकता है कि कम भी जाए और ज्यादा भी जाए, लेकिन आपको पेपर में उस बात का ध्यान रखना जिनका पेपर नहीं हुआ वो, कि कट ऑफ कहीं नहीं जा रही। आपके जितनी आपकी तैयारी आप उतना कोशिश करिए, कट ऑफ कितनी जाएगी इससे कोई मतलब नहीं है। आपने 65 क्वेश्चन कर दिए और फिर आप किसी ने बोल दिया कि 70 क्वेश्चन करने जरूरी है, अगर आप यूपी से हो 5 के चक्कर में नीचे आ जाओगे, ऐसी गलती नहीं करनी। अब जिनका पेपर हो गया उनके बहुत सारे उसमें भी मैंने कमेंट देखे हैं कि सर कट ऑफ पिछली से कम जाएगी, हमारे स्टेट की पिछली कट ऑफ अगर आपके स्टेट की देखनी है कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे एक पीडीएफ मैंने पहले से डाल रखी है, तो आप अपनी स्टेट की पिछली कट ऑफ देखिए। और अगर उससे आपका 1 नंबर भी ऊपर है, 1 नंबर ऊपर नहीं अगर उसके बराबर भी अगर आपका नंबर है, तो भी मैं गारंटी लेता हूं कि आप फिजिकल के लिए जाओगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, फिजिकल के लिए कितने बच्चे गए थे, लगभग 2,50,000 बच्चे गए थे। इस बार कितने जाएंगे, लगभग 5 लाख बच्चे जाएंगे। कितने? 5 लाख। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 8 गुना जाएंगे, मैं बोल रहा हूं 8 गुना नहीं जाएंगे, लगभग 11 गुना या 12 गुना जाते हैं। ठीक है, वैसे 10 गुना के आसपास रहता है, लेकिन इस बार देख लेना मतलब 11 से 12 गुना बच्चे जाएंगे फिजिकल के लिए, तो इसे सीधा डबल है। तो इसका मतलब यह है कि कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोले सर पेपर इस बार लेवल इजी था, तो पिछली बार कौन सा भारी था? हर बार एसएससी का लेवल लो ही रहता है, बिल्कुल लो रहता है। जब मैं क्लास भी लेता हूं तो भी बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत लो क्वेश्चन ले रहे हैं। अरे इसका जब क्वेश्चन ही लो आते हैं तो हम क्या करें? अब आपके सामने आ रहे ना क्वेश्चन, बिल्कुल लो से लो क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सके, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिछली बार भी ऐसे थे कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो उसमें जितनी कट ऑफ गई है उतनी कट ऑफ इस बार जाने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, कट ऑफ कम ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपके स्टेट की कितनी जाएगी इसके बारे में अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बता रहा हूं, पिछली बार की आप कट ऑफ देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, हर एक स्टेट के आंकड़े वहां पर है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कौन सा स्टेट है, बॉर्डर एरिया है या नहीं है, वो डिसाइड कर लीजिए, अपने आंकड़े देख लीजिए, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर उससे ऊपर आपके नंबर है तो आपको अभी से फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए, ध्यान रखना वो फाइनल वेट है।
अगर उससे 5 नंबर नीचे भी है ना तो भी फिजिकल के लिए तो आप जाओगे, इस बात का भी ध्यान रखना। उससे 5 नंबर 10 नंबर नीचे भी है तो फिजिकल के लिए जाओगे, क्योंकि वो फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके लिए भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। कटोप लो ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। आप आराम से जिस दिन आए तब भी देख लेना, और फिजिकल के लिए जब पहली कटोप आएगी तब भी आपके सामने ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है लाडलो। तो कट ऑफ के चक्कर में ज्यादा आप टेंशन ना ले, कट ऑफ आपने जैसा पेपर दिया आपको लगता है कि पिछली बार की फाइनल मेरिट से अगर आप बराबर ही नंबर है या उससे 4-5 नंबर कम भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिकल और मेडिकल में तो आप पक्का जाओगे, बाकी डिसाइड होगा फाइनल मेरिट में होगा। और फाइनल मेरिट भी पिछली कट ऑफ से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अब बार पोस्ट भी ज्यादा है और समय भी कम मिला है, पेपर में भी समय कम मिला है, इस बात का पूरा ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।